जनाब ज़बरदस्त होल बेक्ड रहू मेरी बेक हो चुकी है और विद ज़ीरो स्पाइसेस, बस माइनर सा मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी हर्ब्स यूज़ की और उसके साथ ज़बरदस्त से क्रिस्पी बेक पोटैटोज और उसके ऊपर मैं ड्रिजल करूँगी अपनी स्पेशल इमली की सॉस जिसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ। ओ ज़बरदस्त, मुँह में पानी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि जी सब लोग खैरियत से होंगे और टिकटॉक मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त होल बेक्ड रहू और इसको हम ओवन में बेक करेंगे और इसके साथ ज़बरदस्त से क्रिस्पी बेक पोटैटोज में दूँगी। और ये देखिए शुरू करते हैं। ये देखिए इस साइज़ की, ये तकरीबन एक किलो के करीब रहू है, ठीक है। और इसको मैंने अंदर से अच्छे से साफ़ कर लिया हुआ है, प्रॉपर अच्छे से साफ़ करके मैंने इसको अजवाइन और सॉल्ट के साथ लगा के मसाला इसको वॉश करके ड्राई कर लिया हुआ। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। यहाँ पे तीन जवे मैंने लिए थे गार्लिक के, एक गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया जवे को और दो के मैंने स्लाइस कर लिए। यहाँ पे मैं हर्ब्स यूज़ कर रही हूँ, धनिया, लेकिन पार्सले यूज़ होता है जो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। एक खाने का चम्मच मैं यूज़ करूँगी लेमन जूस और एक खाने का चम्मच है सफ़ेद सिरका विनीगर और 1 टीस्पून काली मिर्च है मोटी कुटी हुई और सॉल्ट है 1 टीस्पून। ये इसके मसाला जाते हैं और थोड़ी सी 2 चुटकी हम डालेंगे ओरिगानो फ्लेवर के लिए। तो अब हम फिश को कट्स लगा लेते हैं। ये देखिए तेज़ नाइफ होना चाहिए और उसके साथ हम छोटी छोटी कट्स इसको लगाएंगे। चलिए जी अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं, इसकी मसाला जात, इसको जो हमने मिक्स करने हैं। यहाँ पे देखिए लेमन जूस है 1 टेबल स्पून, वो मैं एक बड़े बाउल में ऐड कर रही हूँ और एक खाने का चम्मच मैं ऐड करूँगी धनिया। पार्सले हो तो ज़्यादा अच्छा है लेकिन हम धनिया भी यूज़ कर सकते हैं और सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, नमक है 1 चाय का चम्मच और 1 जवा जो लहसुन का मैंने चॉप करके रखा था, फ्रेश चॉप करना है, ठीक है। इसका फ्लेवर अपना ही होता है, पेस्ट नहीं बनाना। तो ये मैंने चॉप किया था 1 जवा और 2 जवों को मैंने स्लाइस करके, बारीक स्लाइस करके रख लिया हुआ था। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 चुटकी ओरिगानो लीव्स और 1 खाने का चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी नॉर्मल कुकिंग ऑयल। और ज़बरदस्त सी मेरी ये जो मैरिनेशन है रेडी हो चुकी है। इसको आप ज़ीरो स्पाइसेस कह सकते हैं, इस बेक फिश को ज़ीरो स्पाइसेस, फिश रहू होल बेक रहू विद ज़ीरो स्पाइसेस। तो हर वक्त धड़ाधड़ मसाला जात नहीं यूज़ करने चाहिए, कभी हमें जो हम मीट खाते हैं उसका ओरिजिनल फ्लेवर हमें लेना चाहिए। तो ये जो माइनर से हर्ब्स के साथ हम इसको बेक कर रहे हैं तो हम इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर है जो फ़िश का, जो इसके मीट का, हम उसको खाएंगे और उसका मज़ा लेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम तो चिकन को, मीट को या फिश को मसाला जात के साथ ही खाते हैं, एक्चुअली हम मसाला जात का ही फ्लेवर ले रहे होते हैं। जितने कम मसाले रखेंगे और फिर हमें एग्जैक्ट जो मीट हम खा रहे हैं उसका फ्लेवर हमें पता चलेगा कि ये इसका एग्जैक्ट फ्लेवर है। टोटली हाइजीन है और स्टमक के मरीजों के लिए और बच्चों के लिए तो सुपर्ब है। और मुझे भी थोड़ा गर्ल स्टोन्स का इशू है तो स्पाइसेस मेरे लिए भी प्रॉब्लम करते हैं। मैं खा तो लेती हूँ थोड़े बहुत, लेकिन ये कि ये मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसको अपने फ्लेवर के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, बताती हूँ। थोड़ा सा ट्विस्ट हम अपना डाल लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। बाहर के लोग, आपको पता है कि वो तो इतने भी स्पाइसेस उनके लिए बहुत होते हैं, वो इससे भी कम डालते हैं, ओनली सॉल्ट एंड पेपर के साथ वो इसको पिक करते हैं या स्टीम करके खाते हैं। तो हम तो हैं पाकिस्तानी और हम फिर अपने हिसाब से इसको फ्लेवर देंगे।
तो जी मैंने यहाँ पे जो गार्लिक की स्लाइस किए थे, ये देखिए मैंने जो इसके कट्स लगाए हैं, इसके अंदर मैं गार्लिक के स्लाइस लगा रही हूँ। इनको जब हम स्टीम करेंगे तो इनका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर मेरी इस फिश के अंदर आ जाएगा, और मुझे गार्लिक बहुत पसंद है। और ये भी फ्लेवर जो है ना, आपका वो टेस्ट डेवलप करने की बात होती है, जब आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है गार्लिक पे, तो गार्लिक इज़ बेस्ट। जो कोलेस्ट्रॉल के लोग हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, हम सब के लिए अच्छा है कि साथ साथ जो हम खाते हैं वो हमारा, जिसे कहते हैं ना कि क्लीन हो जाता है हमारा अंदर का सिस्टम जो है। गार्लिक बहुत ज़बरदस्त है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैं तो जब से मुझे मेरा फ्लेवर इसका डेवलप हो गया है, तो मैं इसको चॉप करके डालती हूँ, ज़्यादा पेस्ट कम डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओवन की ट्रे ले ली, उसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर बिछाया, और उसके ऊपर मैंने अपनी ये जो बेक्ड फिश, ये जो फिश को मैंने मैरिनेट किया है, ये मैं इसके ऊपर रखूँगी, और इसको अच्छे से मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसको पैक कर लूँगी, ताकि स्टीम कहीं से निकले नहीं, ठीक है। इसको 2 घंटों के लिए मैं मैरिनेट करके रखूँगी। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप डायरेक्टली भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम है और मैं इसको 2 घंटों के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। 2 घंटों के बाद मैं इसको बेक करूँगी। तो मिलते हैं 2 घंटों के बाद। जनाब यहाँ पे मैंने अपने ओवन को प्री हीट कर लिया हुआ है, और 200 पे मैंने 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट किया, और अब मैं इसका 250 टेम्परेचर है, और इसको मैं 45 मिनट्स के लिए बेक करूँगी 180 के टेम्परेचर पे। ऊपर नीचे का राउंड ऑन होगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 1/2 किलो छोटे साइज़ के पोटैटोस, और ये फ्रेश आलू है, और इनके ऊपर स्किन कुछ उतरी होती है कुछ, मैंने इनको अच्छे से स्पंज के साथ साफ़ किया है, ताकि जो थोड़ी बहुत स्किन थी रफ थी वो भी उतर जाए। और मैं इनकी स्किन को पील नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही इसकी स्लाइस काटूँगी। और ये देखिए ऑलमोस्ट ये 1 इंच के स्लाइस में काट रही हूँ, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से मैं सारे जो आलू हैं इनके स्लाइस कर लूँगी। स्किन के साथ बेक करके खाने का मज़ा ही और होता है, इसलिए मैं इनको पील नहीं करती। बाकी के आलू जो हैं इनको भी मैं इस तरीके से काट लूँगी, ठीक है जी। सब कट चुके हैं, अब मैं इसके अंदर 2 चुटकी डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, और 2 चुटकी मैं इसके अंदर ओरिगानो लीव्स डाल रही हूँ। अगेन ये मेरी अपनी मैरिनेशन है, इसमें कोई वो नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1/2 चाय का चम्मच मैं मोटी कुटी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा 2 चुटकी सॉल्ट, और 1 खाने का चम्मच मैं ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर, और बस मेरे पोटैटोज की जो है वो मैरिनेशन रेडी हो गई है। मैं अक्सर कभी बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगी हो तो फौरन जो इंस्टेंट स्नैक्स मांगते हैं, तो मैं फौरन उनको एक बड़ा सा प्लेटर भर के बेक पोटैटोज का करके दे देती हूँ, साथ में जल्दी से सैंडविचेस वो स्प्रेड वाले बना देती हूँ, तो बड़ा ज़बरदस्त बच्चे उनका हल्की फुल्की भूख भी ख़त्म हो जाती है, साथ में मेरा ये जो झटपट वाला काम है ना ये भी हो जाता है, और मुझे खुद को भी बड़ा पसंद है। एक तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, फ्राइड नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ओवन वाली डिश ले ली है, ट्रे ले ली है, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ। ग्रीस करके बस मैं अपने ये जो सारे पोटैटोज हैं इनको इसके अंदर इनकी लेयर बिछा दूँगी। बस कोशिश करनी है कि ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि इनको दोनों साइडों से हमने क्रिस्पी करना है। फिश मेरी बेक हो रही है, और एकदम से मुझे ख्याल आया कि मुझे ये भी करना है। चलिए जी, अब मैं इनको फॉइल पेपर से ऊपर से कवर कर लूँगी, ताकि एक तो मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो जल्दी ये स्टीम के साथ बेक हो जाएंगे, और 15 मिनट के लिए मैं इनको स्टीम दूँगी, उसके बाद मैं इनको खोल के इनका कवर हटा के फिर इनको ऊपर से सेक लूँगी ऊपर नीचे से, ताकि ज़बरदस्त सा रेड सा कलर भी आ जाए। 25 मिनट के लिए मैं पोटैटोज को बेक करूंगी, 45 मिनट्स मेरे जो हैं वो फिश का टाइम है, तो ये कट्टे जो हैं ये बेक होके बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो
फिश मेरी जो है इसको ओवन में रखे हुए 45 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं फिश को निकालने लगी हूँ। देखते हैं कि क्या इसको और टाइम तो नहीं देना, लेकिन मेरे ख्याल में देखें उसके जूसेस बाहर अवेल हुए हैं, इसका मतलब है कि ये परफेक्टली बेक हो चुकी है। और माशाल्लाह ये देखें ज़बरदस्त बेक हुई है जनाब, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत टेंडर और बहुत खूबसूरत। ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम और टाइम दें। और साथ ही हम ये जो हमारे पेटोज हैं इनका कवर मैंने हटा दिया था 15 मिनट के बाद। ये देखिए सुपर्ब कलर टैटोज़ का, जो सही क्रिस्पी और रेड कलर आया है, और इसके साथ ये जो मेरी फिश है इसी प्लेटर के अंदर मैं ये पटेटोज जो है साइड वो साइड पे रखूँगी। माशाल्लाह विद ज़ीरो स्पाइसेस ये फिश मैंने बेक की है, और माइनर सा ये ब्लैक पेपर सॉल्ट ये जो ऐड किया है इसकी कोई वो नहीं है। इसको आप जिस तरीके से मर्जी, जिस तरह के मर्जी पेशेंट को खिला सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितना मर्जी पेट भर के खाएं, डाइटिंग वाले लोग इनको खा सकते हैं। सुपर हेल्दी है और इसके विटामिंस और मिनरल्स बिल्कुल वेस्ट नहीं हुए। फ्राई करते हैं जब हम तो इनके मोस्टली जो होते हैं मिनरल्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाई गई फिश जो है उसके मिनरल्स उसके विटामिंस जो है वो परफेक्टली वो वेस्ट नहीं होते हैं। और ये देखें इसकी स्किन, और ये भी इंशाल्लाह हम खाएंगे प्रॉपर इसको। और फिश को खाने का तरीका भी यही है कि हमें इसको इसकी स्किन के साथ खाना चाहिए। तो ज़बरदस्ती होल बेक रहू विद बेक पटेटोज रेडी है माशाल्लाह, ज़रूर बनाइए और बना के अपने प्यारों को खिलाइए। जिन दोस्तों को लगता है कि इसकी स्पाइसेस कम है, वो मैंने खट्टी मीठी इमली की सॉस की रेसिपी दी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वो ऊपर ड्रिजल करके खा सकते हैं और ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे होल बेक्ड फिश विद बेक पटेटोज तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।